जुहार झारखंड और सारे झारखंड के शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे आप सभी साथी जिनके लिए 26,000 की भर्ती का एक डेटा तो झारखंड सरकार ने दिया, लेकिन अब ये जो है पूरी तरह से फंस गई है क्योंकि ऑनरेबल उच्च न्यायालय झारखंड ने जवाब तलब करके सरकार को कहा है हाजिर हूं कोर्ट के अंदर। क्योंकि यहां पर मैंने आपको बताया था कि ये एक बहुत ही बड़ा स्कैम समझ लीजिए, एक धोखा है अभ्यर्थियों के साथ। 2016 के बाद आपने जेटेट नहीं कराया ही नहीं। 16 से लेकर के 23 तक कितने साल होते हैं साहब, 7 साल से जो डीएलएड करके जो बीएड करके बैठ गया, जिसने आपके जेटेट ना कराने की वजह से सीटेट कर लिया। आप लोगों में से बहुत सारे साथी इस बात का समर्थन या खिलाफ कर सकते हैं, लेकिन फैक्ट तो यही है कि 7 साल से तो झारखंड का जो युवा है जो बीएड करके बैठ गया है, डीएलएड करके बैठ गया, वो भी इस भर्ती में नहीं जा सकता है। और आप जो है झारखंड सरकार ये कह रही है कि इसके बाद हम फिर एक 26,000 की भर्ती लेकर के आने वाले हैं और उसमें जो हम सबको शामिल कर लेंगे, जेटेट भी करवा लेंगे। तो भैया इतने दिन तक जो अपने आए कहावत है ना कि अभी नहीं तो फिर, मतलब आप समझिए क्या हुआ है। कोर्ट में आज सुनवाई, 3-3 याचिकाओं की सुनवाई, सुनवाई के साथ सरकार के ऊपर तल्ख टिप्पणियां, तमाम सवाल, छात्रों के हितों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय का जवाब तलब, तमाम चीजों के ऊपर चर्चा आपसे विषय गंभीर के रूप में करेंगे और आपको एक फैक्ट बताएंगे और एक खुशखबरी भी देंगे। लेकिन जरा मामले को समझिए कि ये कितना गंभीर मामला है, ये कितना बड़ा विश्वासघात है, क्या करेगा झारखंड का युवा। लगातार आप लोग के सवाल आ रहे थे, लेकिन वही बात है कि जब तक फैक्ट सामने ना आए बात करना उचित नहीं होता। 7 साल से आपने झारखंड टेट कराया ही नहीं और आज आपने कंपलसरी कर दिया कि इस भर्ती में जाएगा वही जो झारखंड टेट क्वालिफाई होगा, वरना इस 26,000 की भर्ती में उसका कोई जुगाड़ ही नहीं है, कोई व्यवस्था ही नहीं है। और यह भी सच है कि आपने 7 साल से कराया नहीं और भर्ती भी आपने नहीं दी तो बच्चे क्या करेंगे। और सीटेट को आपने अलाउ करने से मना कर दिया सिर्फ इसलिए कि रीजनल लैंग्वेज उसमें नहीं होती है सीटेट के अंदर। मांग ये नहीं है कि सीटेट को ही शामिल कीजिए, गलत बात है। जो लोग इस बात का अफवाह फैला रहे हैं कि सीटेट को शामिल करने की ही मांग सिर्फ की जा रही है, गलत बात है। हमारी मांग ये है आप सीटेट को शामिल कर लीजिए और अगर आप सीटेट को नहीं शामिल करें तो आप झारखंड टेट करवाइए। पहले आप झारखंड टेट करवा लीजिए और उसके बाद भर्ती लीजिए ताकि बच्चों के पास फेयर मौका हो। लेकिन सरकार जो है इसने नहीं किया। और अगर आप तत्काल इतने जल्दी तौर पर झारखंड टेट नहीं करा पा रहे हैं, जेटेट नहीं करवा पा रहे हैं, तो आप सीटेट को शामिल कर लीजिए और बिहार के जैसे नियम लगा लीजिए कि भैया आप जो है हम झारखंड टेट करवाएंगे, उसके बाद जो उसमें पास होगा उसको हम लेंगे, नहीं नहीं लेंगे। बच्चे डर थोड़ी रहे इस बात से कि हम झारखंड टेट नहीं, सीटेट का पेपर क्या झारखंड टेट से इजी होता है क्या? आप लोग ही बताइए, प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूं। सरकार के मंत्रियों को तो भाई शिक्षा का कितना नॉलेज है ये मुझे समझ में नहीं आता है। क्या सीटेट का स्तर झारखंड टेट से नीचे होता है? कोई भी आप में से जो भी शिक्षक जेटेट कर चुके हैं या सीटेट कर चुके हैं, आप लोग अपनी पढ़ाई का स्तर जानते हैं, आप पढ़े लिखे हैं। सिर्फ एक रीजनल लैंग्वेज नहीं होता है सीटेट में, लेकिन सीटेट का लेवल झारखंड टेट से नीचे तो होता नहीं है, तो किस हिसाब से आप सीटेट को बाहर कर रहे हैं? तो ये पूरा मामला जिसको लेकर के जो है पीआईएल के साथ 2 और याचिकाएं आज ऑनरेबल उच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए रखी गई थी। मामला बड़ा सीधा सा है, इसमें 7 साल से आपने झारखंड टेट कराया नहीं है, सीटेट को आप एलिजिबल नहीं कर रहे हैं, तो ये बच्चे जो 7 साल से तैयारी करके बैठे। और यही नहीं, अगर आप सीटेट को नहीं लेते हैं तो एनसीटी की गाइडलाइन है इसमें कि आपको हर साल अपने राज्य के टेट की प्रतियोगी परीक्षा करानी होगी। पता है कि अब P6 में 5 ऑप्शंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप देख सकते हैं किरण पब्लिकेशन की Volume 2 5 ऑप्शन के ऑप्शन OMR शीट के साथ जो सामान्य अध्ययन की बुक है, तथा आपको BPSC शिक्षक भाषा में भी 5 ऑप्शन के साथ बुक आ चुकी है। और सबसे खासियत क्या है कि कोई लिपापोती नहीं, सारे के सारे जो इस बुक में सेट्स हैं सभी के सभी फ्रेश हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे ये फ्रेश हैं, आपको दिखा दूँ। ये देखिए जितने भी आपको ऑप्शन दिख रही है इसके अंदर सबके सब 5 ऑप्शन वाले हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक में से कोई नहीं, इस तरीके से इसमें दे रखा है। और आप देख सकते हैं सभी में चार ऑप्शन इस तरीके से इसमें सब कुछ दिखाया जा रहा है। सिमिलरली इसके साथ आप देख सकते हैं ये भाषा की नई बुक आ गई है, जो जिन्होंने भी पहले भाषा की बुक ले ली थी अब 5 ऑप्शन वाली बुक भी आ गई है। इससे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से दुरुस्त कर सकते हैं। तो ये दोनों किताब आपके पास होनी चाहिए। और प्लस क्योंकि अब तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, लास्ट के 30 दिन बचे हैं, तो लास्ट में अगर आप BPSC प्रीलिम्स का जो सॉल्ड पेपर आता है 1992 से 2023 तक का, उसको
भी सॉल्व कर लेते हैं तो आपका जो प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छे लेवल का हो जाएगा। और आप गाइड तो पढ़ ही रहे हैं मुझे, जैसे आपको आप लोगों ने जरूर पढ़ रहे होंगे, और इस गाइड से आप अपने आपका जो आपकी जो थ्योरी है बहुत अच्छा हो जाएगा, और इन दोनों से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और ये सॉल्व पेपर लगा ली तो आपका सिलेक्शन बहुत अच्छे से आराम से हो जाएगा। एलिजिबिलिटी परीक्षा जो होती है आपकी पात्रता परीक्षा वो करानी होगी, तब जाकर के आप सीटेट को अलाउ नहीं करेंगे। वरना अगर आप हर साल नहीं कर रहे हैं, इवन दो साल भी आप नहीं कर रहे हैं, तो आपको सीटेट को एलिजिबल करना पड़ेगा। ये है एनसीटी की गाइडलाइन, इसका सरासर उल्लंघन कर रही है झारखंड सरकार। क्यों भाई, झारखंड के शिक्षा मंत्री और झारखंड के मंत्री जी लोग, आप सभी लोग क्या मतलब इस बात को समझ नहीं रहे आप लोग? तो ये बात थी, जबकि कराया नहीं। अब इसी मामले पर जब आज उच्च न्यायालय में सुनवाई शुरू हुई, तो तमाम पक्ष सुनने के बाद ऑनरेबल जस्टिस को लगा कि मामले में गंभीरता है, और उन्होंने सीरियस कॉल कर दिया कि अब राज्य सरकार इसमें हलफनामा दायर करे, एफिडेविट जमा करे, काउंटर एफिडेविट फाइल करे कि उसने ऐसा क्यों किया। एक तरफ जब तुमने 7 साल से दिया नहीं, और क्यों ना हम सीटेट को अलाउ करें इसका भी आप जवाब दीजिए, या क्यों ना हम आपकी इस भर्ती को रोक दें जब तक आप झारखंड टेट नहीं करवाएंगे, क्यों ना हम इसे रोक दें? क्योंकि झारखंड सरकार हाई कोर्ट आप समझिए इस मामले में बहुत सख्त होती है, और कई बार उसने भर्तियों को रोक दिया है, स्टे लगा दिए। आज स्टे नहीं मिलने का एक कारण यह है कि फॉर्म अभी शुरू नहीं हुए हैं, आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, और आवेदन की प्रक्रिया से पहले सरकार जवाब दे दे तो अगस्त में फिर इसकी सुनवाई होनी है। और मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरीके का अवसर, आप लोग पढ़े लिखे हैं, सबके पास अवसर की समानता का सिद्धांत है, फंडामेंटल राइट है, तो अवसर की समानता तो आपको देनी होगी ना साहब। ऐसा कैसे हो सकता है, जो बच्चे पढ़ लिए हैं 7 साल से, जो सेंट्रल का एलिजिबिलिटी, और बहुत सारे हाई कोर्ट्स ने ये फैसला देकर के सीटेट को एलिजिबल किया है अपने राज्यों में, बहुत सारे हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, जहां पर भी ऐसा हुआ है, जहां 2 साल से ज्यादा समय तक उनके क्षेत्रीय टेट का एग्जाम नहीं हुआ है, वहां पर सरकारों के ऊपर हाई कोर्ट का फैसला आया है। इसलिए जो साथी परेशान हो रहे हैं, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आपको मौका मिलेगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि पूरी संभावना है कि जिस ग्राउंड पर यह केस गया है, जिस ग्राउंड पर यह पीआईएल गया है, बिल्कुल इसमें सीटेट एलिजिबल होगा, या फिर इनको फौरी तौर पर जेटेट कराना पड़ेगा। और इन दोनों से अगर ये बचना चाहेंगे तो इनके पास एकमात्र रास्ता है कि ये अपेयरिंग जेटेट कैंडिडेट, मतलब ये कहेंगे कि आप फॉर्म डालिए, आवेदन कीजिए, परीक्षा दीजिए, और उसके बाद जेटेट का परीक्षा दीजिए, और जो पास हो जाएंगे हम उन्हें ही एलिजिबल करेंगे। तो ये करना ही पड़ेगा, इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो आज जो है कोर्ट ने काउंटर कॉल किया है, सरकार को हाजिर किया है, अगली सुनवाई में सरकार को जवाब देना है। तमाम पहलुओं पर मैं समय समय पर आप लोगों को आकर के बताता रहूंगा। चैनल पर बने रहिएगा और सब्सक्राइब करके रहिएगा, क्योंकि झारखंड के साथ ये अन्याय नहीं चलेगा, और हर बार तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। बार बार सरकार इस तरीके से एक चीज़ थोपेगी, बच्चे लगातार इंतज़ार करते हैं, लंबे समय तक भर्तियों की परीक्षा करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, और जब भर्ती आती है तो उल्टे पुल्टे नियम बना करके उन्हें बाहर कर दिया जाता है। और क्या मतलब होता है इसका, ये समझना काफ़ी ज़्यादा आसान नहीं होता है, मुझे तो समझ में नहीं आता क्या मतलब है इसका। जब आपका टेट जो है, चलिए इन सारे पहलुओं पे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, मैं आप लोगों से फिर दोबारा मिलूंगा और इसके ऊपर बात करूंगा। फिलहाल सरकार को जवाब तो देना है, और वो भी उच्च न्यायालय में, और ज़रूरत पड़ेगी तो सर्वोच्च न्यायालय तक जाएंगे हम लोग, लेकिन ये मामला यहाँ छूटने वाला नहीं है। आई प्रोमिस टू ऑल ऑफ यू। प्रणाम।